मेयर चुनने की प्रक्रिया है उसमें हर साल मेयर का चुनाव होता है। इस साल रिजर्व कैटेगरी से मेयर का चुनाव होना है, उसके लिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर के जो कैंडिडेट होंगे वो महेश खिच्ची होंगे। महेश खिच्ची, KHICHI, महेश खिच्ची करोलबाग विधानसभा में देवनगर वार्ड 84 से हमारे काउंसलर हैं। ये करोलबाग विधानसभा के अंदर देवनगर वार्ड में काफी लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते रहे, ग्रासरूट स्तर से पार्टी पर इन्होंने काम शुरू किया था। सबसे पहले हमारी पार्टी के बूथ अध्यक्ष बने थे, बूथ प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद वार्ड प्रेसिडेंट बने, वार्ड प्रेसिडेंट के बाद RWA के विधानसभा के प्रेसिडेंट बने। इन्होंने दिल्ली के साथ साथ पार्टी के लिए देश के अलग अलग राज्यों में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में पार्टी के लिए अलग अलग चुनावी कैंपेन में इन्होंने हिस्सेदारी की, और उसको देखते हुए पार्टी ने इनको देवनगर वार्ड से कैंडिडेट बनाया था और वहां से ये जीते। और पिछले एक साल से इन्होंने जिस तरह से ग्राउंडेड होकर के काम किया है उसको देखते हुए, जमीनी स्तर से जुड़े होने के कारण, जनता के साथ सीधे संवाद होने के कारण, और IAC के समय से ये पार्टी और आंदोलन के लिए काम करते रहे, उसको देखते हुए पार्टी ने इन्हें इस टर्म के लिए मेयर कैंडिडेट बनाने का निर्णय लिया है। महेश खिची जी BCOM है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज से इन्होंने साउथ कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय से BCOM किया है, और लगातार प्रारंभिक दिनों से ही पार्टी और आंदोलन के लिए काम करते रहे। तो आज पार्टी मेयर कैंडिडेट के रूप में महेश खिची का अभी 12 बजे नॉमिनेशन जो है वो कराएगी। मेयर के साथ साथ डिप्टी मेयर के लिए रविंदर भारद्वाज को पार्टी अपना कैंडिडेट बना रही है। रविंदर भारद्वाज भी आंदोलन के समय से ही पार्टी से जुड़े हैं, ये सेकेंड टाइम काउंसलर है। अमन बिहार वार्ड किराड़ी विधानसभा के अंदर है, 41 अमन बिहार वार्ड, ये 41 अमन बिहार वार्ड किराड़ी विधानसभा से पिछली बार भी काउंसलर थे और इस बार भी वो काउंसलर चुने गए। 2017 से 2022 तक काउंसलर थे, पिछली बार भी पार्टी की तरफ से। पिछली बार नॉर्थ MCD में हमारे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे 2019 से 2021 तक, वर्क कमेटी और अपॉइंटमेंट कमेटी में भी मेंबर रहे। साधना हॉस्पिटल पालम में स्थित, जहां उपलब्ध है 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, ICU, ऑपरेशन थिएटर, खून व पेशाब जांच की सुविधा, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे, डॉक्टर अशोक गौड़ द्वारा संचालित 50 बेड्स का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां उपलब्ध हैं चाइल्ड केयर और प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ, आधुनिक तकनीक से परिपूर्ण एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर सभी प्रकार के कैशलेस और इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता है NZA 635, राजनगर Part 1, मेन पालम रोड, न्यू दिल्ली 110045। फोन नंबर है 0114932-3811 और 9310815643। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ये काफी इन्होंने भी आंदोलन के समय ही ज्वाइन किया था और तब से लगातार पार्टी में काम करते रहे। इन्होंने भी पहले, हमने सबसे पहले शुरू में पार्टी में लोकल प्रभारी बनाए थे, तो लोकल प्रभारी सबसे पहले ये बने थे, उसके बाद बूथ अध्यक्ष रहे, फिर मंडल प्रेसिडेंट रहे और फिर वार्ड पे इन्होंने काम किया और पार्टी ने फिर इनको पिछली बार काउंसलर बनाया था और इस बार दोबारा काउंसलर बने। ये इनकी जो एज है वो 35 है, रविंदर भारद्वाज की। महेश खिची की जो एज है वो 45 है। तो इस बार पार्टी ने महेश खिची को मेयर कैंडिडेट के लिए और रविंदर भारद्वाज को डिप्टी मेयर कैंडिडेट के लिए जो है इस बार अभी नॉमिनेशन करने का डिसाइड किया है, अपना कैंडिडेट बनाया है। और दोनों जो हमारे कैंडिडेट हैं वो जमीनी स्तर से पार्टी को जानते हैं, हमारे वॉलेंटियर्स को जानते हैं। और अब पिछले दिनों जो MCD के अंदर कामकाज हुआ है उसके आधार पर हमें उम्मीद है ये दोनों लोग मिलकर के जो काम हमारी शैली ओबेराय ने जो आगे बढ़ाया है, जिस तरह से मुझे लगता है कि आले इकबाल ने जो आगे बढ़ाया है उस काम को और ये मजबूती से आगे ले जाएंगे। और जो MCD में हमारा टारगेट है, जैसा दुर्गेश जी ने कहा, उस टारगेट को हम अगले एक साल में और बेहतर तरीके से पूरा करेंगे। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।